मुंबईमध्ये फेसबुक पोस्टच्या वादातून एका काँग्रेस कार्यकर्त्याची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मनोज दुबे असे हत्या झालेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्याचे नाव आहे. चांदिवली विधानसभा येथील विकास कामाबाबत भाजपच्या एका कार्यकर्त्याच्या पोस्टवर काल एका काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याने पोस्ट टाकली होती. यावरून काँग्रेस आणि भाजपचे कार्यकर्ते फेसबुकवर भिडले होते. हा वाद एवढा चिघळला की रात्री 1:30 दरम्यान मनोज कुमार याला 4 ते 5 मारेकऱ्यांनी गाठले. त्यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. याचे पर्यावसन हाणामारीत झाले. यात मनोजवर धारदार शस्त्राने मारेकऱ्यांनी हल्ला केला. जखमी अवस्थेमध्ये मनोजला राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणात साकीनाका पोलिसांनी 3 ते 4 संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. शिवाजीनगर गेट पे हम लोग खड़े थे, सब लोग. मैं 11:30 बजे आया तो वहाँ पे बैठे थे हम लोग. संडे था, हमारा मंडल है वहाँ पे. वहाँ पे बैठे थे तो उसके बाद भाई ने बोला चाबी दे गाड़ी का. मैं बोला भाई किधर जा रहे हो? बोलते मेरे से सवाल पूछ रहा, तू भाई है मेरा, चाबी नहीं? बोला दे सकता हूँ ना भाई. चाबी दिया मैं तो बिपिन करके एक लड़का है, बिपिन जायसवाल, उसको बोले चल. तो गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम है. मैं बोला भाई गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मैं लेके चलता हूँ. तो बोले तू मत आ, मैं लेके जाऊँगा रोशन को लेके जाके. तो मैं बोला भाई मैं चलाता हूँ, मतलब तिबल जन चलो. तो मैं गाड़ी लेके गया. बोला भाई कहाँ चलने का है? तो बोले मतलब साकीनाका की तरफ से यू टर्न मार. साकीनाका पूरा नहीं गए थे हम लोग, शिवप्रभा का गेट है वहाँ से टर्न मारे और उसके बाद यू टर्न मार के मंदिर किधर बोले रुका दे. मंदिर किधर बोले रुका दे. मंदिर के इधर रुका है तो 2-4 आदमी आए, उनसे बातचीत किए. मैं खड़ा था, बातचीत किए, हाथ भीत मिलाए. सब लोग बोले ठीक है. बोले मैं गाड़ी में ही चलाऊँगा. तो मैं बोला ठीक है भाई. भाई ने गाड़ी का चाबी लिया, गाड़ी थोड़ा सा घुमाया, स्टार्ट किया, थोड़ा सा आगे लिया तो एक लड़का बंदीश सिंह करके है, बंदीश नाम है उसका, वो रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके आ रहा था. गाड़ी को टच हो गया तो बोले उसने थोड़ा सा गाली बिली दिया. तो भाई ने बोला कि गाली बिली दे रहा है, गलत गलती तू कर रहा है, रॉन्ग साइड से आ रहा है. तो उतने पे कुछ किया नहीं, गाड़ी खड़ा किया और भागते हुए गया. तो भागते हुए गया तो भाई मेरे को बोले कि गया लफड़ा लगता है कुछ लाने के लिए, तू अपने मंडल के जितने लड़के बुला ले. तो मैंने सूरज उपाध्याय करके लड़के को फ़ोन किया. मैं बोला जल्दी जल्दी आओ तुम लोग, इधर लगता है झगड़ा होने वाला है. तो सब लोग भाग के आए. तो यहाँ से एक मतलब 20-30 मीटर तक वो लोग जब तक आए 30 मीटर तक पहुँचे थे, वो तलवार लेके घुमाने लगा. तलवार लेके घुमाने लगा, रोशन सिंह करके एक लड़का था, उसने ऐसा पकड़ा जो साथ में बाइक पे गया था, पीछे से उसको पकड़ा. बोला अरे क्या कर रहा बंदिश, क्या कर रहा है तू? तो बोलता हट लवड़े भोसड़ी के, तेरे को भी डाल दूंगा. ऐसा मतलब बोला जो बता रहा हूँ. तो उसके बाद उसने तलवार उसके ऊपर घुमाया और साइड हटा. तो आगे आया तलवार लेके, तलवार लेके आया तो मैं भाई को बोला भाई भागो. भाई बोले अपने लड़के लोग आ गए ना, भागे काहे के लिए, अपन डरते हैं क्या? तो उसके बाद उतने पे वो तलवार लेके आया और उसके भी 2-3 आदमी लोग उसको पकड़े. और वहाँ पे 8-9 आदमी थे, अंधेरा था, दिखा नहीं, लेकिन 2 जन को देखा मैंने. तो उसके बाद वो तलवार लिया, मेरी तरफ आया, भाई को एक पेट में मारा और मेरे को दौड़ाया. तो मैं भागा, मेरे को दौड़ाया तो और 2-3 लड़के लोग जो अपने